अस्सलामु अलैकुम, नाज किचन एंड मोर में सबका स्वागत है। आई होप आप सब खैरियत से हो। आज फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए प्लानिंग के साथ। यही सोचकर हम हो गए फटाफट रेडी और हम अपना रख रहे गाड़ी में सामान और हम निकल रहे हैं एक्सप्लोर टू अनादर प्लेस। मेन सिटी से बाहर पड़ते ही रोड साइड हमें दिख गई फ्रेश सब्जियां और हमने वहां पे लिया ब्रेक। वहीं पे सामने ही मुझे दिख गई एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान। वहां पे हमने देखे कुछ मिट्टी के बर्तन, लेकिन जो चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। और फिर से हम निकल पड़े हमारे आगे की जर्नी की तरफ। और बस हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन के पास। हम निकल पड़े थे पन्हाड़ा, जो कि कोल्हापुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र के सभी फेमस किलों में से एक किला है पन्हाड़ा किला। सेल्फी पॉइंट में हमने क्लिक किए यहाँ पे कुछ फोटो। यहाँ पे ये है वीर शिवा काशीद का स्टेचू। बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह दिखने वाले वीर शिवा काशीद ने बेस बदलकर सिद्धि चोहर के सैनिकों को चकमा दिया था। पन्हाड़ा फोर्ट ये बहुत ऊंचाई पे है। जैसे आप आगे चलने लगोगे आपको एंट्री फी पे करके आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे किले के स्टार्टिंग में ही मराठा सेनापति वीर बाजीप्रभु देशपांडे का स्टेचू है। वीर बाजीप्रभु देशपांडे और शिवा काशीद ये दोनों के बलिदान के लिए ही पन्हाड़ा किला जाना जाता है। पार्किंग का भी टेंशन नहीं है, पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे दिया है। पार्किंग वाले एरिया के सामने फूड कोर्ट के सेक्शन है और यहाँ पे झुनका भाकरी, दही दपाटा, खरटा दही, भरली वांगी और ब्रेकफास्ट के मेनू, इसी के साथ ही मसाला चाट और प्योर वेज थाली अवेलेबल है। यहीं से हमने हमारे लिए लिया झुनका भाकरी, मसाला वांगी, खरटा दही और ये लेके जा रहे हैं हम आगे के डेस्टिनेशन की ओर। और फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। वेलकम टू पक्षी तीर्थ तबक वन उद्यान। घर से भी हमने कुछ सामान कैरी किया था। गार्डन में एंट्री करने से पहले एक नॉर्मल एंट्री फी पेड करनी है। जैसे हम नीचे उतरते हैं वहां पे हमें लेफ्ट साइड पे पन्हाड़ा फोर्ट का पूरा मॉडल बना हुआ दिखेगा। और अभी हम हैं तबकवन उद्यान में।
जब से घर से निकले हैं तब से मैं सामान उठा रही हूँ, फिर भी बच्चे देखो क्या बोल रहे हैं। एक हाथ से थैली भी उठाया है, एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ा है, सब चालू ही है मेरा कंटिन्यू। ये देखो ये एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है और कई जगहों पर बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था भी की गई है और हम सब भी लंच करने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। आज के दिन का प्लान हमारा यही था कि क्लोज टू द नेचर लंच एंजॉय करना था। इसके लिए फूड कोर्ट एरिया से हमें झुनका भाकरी, खरड़ा दही और मसाला बैगन लिया था और घर से भाभी ने भी कुछ फूड बना के लिया लाया था। ब्यूटीफुल नेचर के साथ हमने प्योर वेज थाली एंजॉय किया। आफ्टर लंच हम फिर से गार्डन को एक्सप्लोर करने लग गए और ये है बच्चों का प्ले एरिया। यहाँ पे बच्चों का भी खास ख्याल रखा गया है। ब्यूटीफुल व्यूज को कैप्चर किया हमने हमारे कैमरे में। अब हम गार्डन के दूसरे साइड देखने जा रहे हैं। लिटरली गार्डन को एक्सप्लोर करते करते थक गए थे हम लोग। यहाँ पे एक छोटी सी केव है। अब हम कर रहे हैं वाइंड अप और हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। क्लोज टू द नेचर दस्तरखान हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऑन द वे हमने ब्रेक लिया कोल्हापुर की सबसे फेमस बेकरी केमराज बेकरी के यहाँ। हाईएस्ट क्वालिटी बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए केमराज बेकरी जानी जाती है। खरीदे थे कुछ मैंगोस और कोल्हापुर की सबसे फेमस राजा भाऊ भेड़ खाकर हम आ गए घर। घर आते ही फटाफट मैंने किया सामान पैक और की निकलने की तैयारी। नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट वेकेशन, नेक्स्ट शॉपिंग, फिर मिलेंगे कोल्हापुर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।